Hey CA students, my name is Shubham Singhal and I am a chartered accountant. I had cleared my CA final in the November 2018 attempt with an All India rank 4. ये वीडियो उन सारे CA students के लिए है जिनका अभी एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि सारे लोग लगे हुए हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सारे कोने कोने के कॉन्सेप्ट उठा करके मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर सब उठा करके बार बार रिवाइज कर रहे हैं और अब समय है कि हम रेस में बहुत और ज़्यादा तेज भागें। अभी तक जितनी स्पीड से भागे हैं उससे भी ज़्यादा स्पीड भागें। बट देन आई पर्सनली हैव फेल्ट इट, मेरे साथ भी ये हुआ था कि हम जब लास्ट में आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार पढ़ाई बहुत कर ली है लेकिन चीज़ें याद नहीं रह रही है और कुछ ही समय बचे हैं एग्ज़ाम को, पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इतना प्रेशर ले पाऊँगा नहीं पाऊँगा, बहुत सारे थॉट्स होते हैं और मोस्टली बहुत सारे नेगेटिव होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं। इससे हमें समझ नहीं आता है लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि हम एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हमको करना चाहिए। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बातें जो मुझे मेरे एग्ज़ाम के पहले लोगों ने याद दिलाई थी जिसके कारण आई डिसाइडेड नॉट टू गिव अप, आई डिसाइडेड टू गिव माई बेस्ट। आई हैव फ्यू थिंग्स टू रिमाइंड यू। फर्स्ट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव डन। I'm not talking about the 6 months or 5 months of study leaves that you have taken or whatever you have done in the past few months. I'm talking about the hard works that you have done in the last 4.5 years. तुम आज जहाँ खड़े हो वो तुम सिर्फ इसलिए खड़े हो क्योंकि तुमको आज CA बनना है, तो तुमने इसीलिए foundation किया, इसीलिए intermediate दिया, इसीलिए तुम अभी articleship के बाद exam दे रहे हो। लेकिन तुम्हारा जो foundation में जो efforts था, जो intermediate में efforts था, सब इसीलिए था ताकि एक दिन तुम CA फाइनल की एग्जाम क्लियर कर सको। उसके ऊपर तुमने आर्टिकलशिप में भी मेहनत की, उसके अलावा एवरी थिंग दैट यू डिड ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप इज काउंटेड एज योर एफर्ट्स। मेहनत सिर्फ वो नहीं होती है जो तुमने अभी की है, मेहनत वो भी थी जो तुम सुबह उठ करके क्लास जाने की कोशिश करते थे, भले जाते थे या नहीं जाते थे या फिर जा करके सो जाते थे, नहीं फर्क पड़ता। तुमने मेहनत की है, जो तुमने शाम को ऑफिस से आने के बाद पढ़ाई करने की कोशिश की है, जो तुमने बहुत सारे ट्रिप्स कैंसिल किए हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारा क्लब्स नाइट आउट सारा कुछ छोड़ा है ताकि तुम पढ़ाई कर सको, की है या नहीं की है वो नहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव सैक्रिफाइस्ड फ्यू थिंग्स टू स्टडी। हमको लगता है हमने नहीं की है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ तो 3 घंटे में से 3 घंटे पूरे पढ़ लूंगा, लेकिन अगर हम 2 ही घंटे पढ़ पाते हैं तो हमें लगता है कि यार पढ़ाई की ही नहीं मैंने तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है। बट एवरी थिंग दैट यू डिड इन द पास्ट 2.5 ईयर इज काउंटेड एज योर एफर्ट्स। तो आज जब 2.5 साल तुमने मेहनत कर ली है तो अभी मुश्किल से 20 दिन की बात है, 25 दिन की बात है। यू शुड गिव बेटर देन वॉट यू हैव डन टिल डेट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड यू शुड बी सुपर मोटिवेटेड कि यार कुछ भी हो जाए पढ़ूंगा, अभी सिर्फ पढ़ाई करूंगा उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड यू योर हार्ड वर्क टिल डेट। सेकेंड, we are chartered accountants, so let's talk that way. Let's try to understand what is the cost of you not clearing the exam in this attempt or the cost of you not performing your best in this attempt. मान लो अगर आप ये एग्जाम नहीं देते हो तो ये हिसाब तो हर कोई लगा लेता है कि यार 6 महीने की सैलरी जाएगी, तो मान लो ऑन एन एवरेज 1 लाख की सैलरी मिले तो 6 लाख का नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग कहते चल ठीक है लेकिन इतना प्रेशर नहीं हो पाएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, 6 लाख का नुकसान नहीं होगा। ये समझो अगर आपने पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं की जितना आप कर सकते थे, आपने 100% अपना नहीं दिया आज के डेट पे, और अगर आप फेल हो जाते हैं गलती से, टच ऐसा नहीं हो बट अगर आप हो जाते हैं, बिकॉज होते हैं लोग, तो अगर आप फेल हो जाते हो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर सपोज टू गेट अ सैलरी पैकेज ऑफ से 10 लाख्स, यू विल गेट ओनली 8 लाख्स और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कंसिस्टेंटली पूरे जिंदगी भर होगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। अगर आप निकाल भी लोगे तो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। सो द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज यू हैव नॉट गिवन योर 100% और दैट फॉर शिफ्टिंग योर अटेम्प्ट इज टू हाई। और अगर हम इतने कॉस्ट अफोर्ड कर ही पाते तो जाकर के मेडिकल या इंजीनियरिंग कर लेते, कोई अच्छे से कॉलेज में इतना ज़्यादा डोनेशन दे करके हम कर लेते, डिग्री मिल जाती। But then no, this is a course which we have decided to do, and now that we are at a so close to the end of it, we should give it our best. And the third point that I want to remind you, the most important that I think, is that बस सिर्फ आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली मेहनत कर रही है। आप जब रूम में बैठ करके पढ़ते रहते हो तो बाहर वो भी डरे हुए रहते हैं, वो भी टीवी कम साउंड में देखते हैं, घर में किसी को बुलाते नहीं हैं, गेम्स नहीं खेलते, बिकॉज they want to ensure that you study well,
योर मॉम वेक्स अप अर्ली इन दी मॉर्निंग टू मेक यू सम टी, मेक यू सम ब्रेकफास्ट, जब तुमको भूख लगे, जैसा तुम्हारा टाइमिंग हो उसके तरफ उसके उस तरह से वो मैनेज करते हैं. शी इज़ ऑल्सो पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. आपके डैड सारा काम आपका करते हैं जो आपके हिस्से का काम है, या फिर आपको कोई भी अपने पर्सनल काम में इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ आपको पूरा स्पेस देते हैं पढ़ने के लिए. दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर योर एग्जाम्स टू गेट ओवर बिकॉज दे आर ऑल्सो पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. और अपने लिए मत करो यार, उनके लिए कर लो. बिकॉज तुम पास हो जाओगे ना तो तुमसे जितनी ज़्यादा खुशी होगी, तुम्हें जितनी ज़्यादा खुशी होगी उससे ज़्यादा उनको होगी, ये तो कोई दो राय है नहीं. लेकिन अगर तुम फेल हो जाओगे ना तो तुमको जितना बुरा लगेगा उससे 10 गुना ज़्यादा उनको बुरा लगेगा, और वो देख करके तुम्हें और भी ज़्यादा बुरा लगेगा. सो यू कैन नॉट डू दिस टू योर फैमिली हु इज़ पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट्स टू मेक यू स्टडी. सो इफ नॉट फॉर यू, फॉर देम एटलीस्ट गिव योर बेस्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास हो जाओ या रैंक ले आओ या कुछ भी कर लो, वो सब तुम्हारे हाथ में नहीं है. बस एक ही चीज़ तुम्हारे हाथ में है कि अपनी जान लगा दो. आज अभी जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम को, और उसके बाद एग्जाम के जो 15-16 दिन होंगे, किसी भी चीज़ को लेकर के अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना. बस इतनी चीज़ करना कि मेरे को पढ़ाई करना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, खाना पीना सब छोड़ दो. जितना लिमिटेड टाइम है पढ़ते पढ़ते खाना खाओ, सोने का टाइम कम कर लो, लेकिन जितनी मेहनत हो सके कर लो, बिकॉज उसके बाद चीज़ें नहीं बदल रही है. और उसके बाद सिर्फ सोना ही है, उसके बाद सिर्फ टाइम पास ही करना है. पढ़ाई जो भी करनी है वो अभी टाइम है तुम्हारे पास, तो अपना जान लगा दो. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सो दैट यू क्लियर इट दिस टाइम एंड विद अ गुड स्कोर, सो दैट यू एन्जॉय दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ऑल राइट, ऑल द बेस्ट गाइज.